हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट के डिब्बे। तो देखिए आज ऐसी मिठाई लेके आए कि ये झटपट मिठाई बनके भी तैयारी हो जाएगी और खास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी बनी है ये मिठाई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर, इसके अंदर मैंने डाला है घी। तो देखिए मैंने जमा हुआ घी डाला है या आप मेल्ट किया हुआ घी डाल रहे हो कैसे डाल रहे हो, तो जो खाना खाते हैं उसी चम्मच से 3 चम्मच आप इसके अंदर घी डाल दीजिए। और थोड़ा आपको कम ज़्यादा लगे तो थोड़ा आप और भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेजरमेंट से आप कोई भी कप या कटोरी से आप कर लीजिए। तो मैंने 1 कप इसके अंदर मैदा डाला है। तो मैदा डाल के गैस के फ्लेम को एकदम सिम रखिए धीरे आंच के ऊपर और 2 मिनट इसको भून के तैयारी कर लेते हैं। कोई भी इसका कोई कलर और चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा बस कच्चापन इस मैदे का हटाना है और हल्की सी इसके अंदर एक खुशबू से आने लग जाती है, तब तक इसको भून के तैयारी कर लेते हैं। तो घी देख लीजिए मैदे के अंदर कितना है, इस हिसाब से मैंने घी डाला है। तो कोई भी आप जैसे एक कटोरी मैदा ले रहे हो तो चौथाई कटोरी आप इसके अंदर घी डाल दीजिए, जैसे 1 कटोरी के अंदर चौथाई कटोरी इसके अंदर घी डाल दीजिए। तो चौथाई कटोरी का मतलब 3 या 4 चम्मच, छोटी 3 या 4 चम्मच। तो चलिए मैदा भून की तैयारी हो गए, मैदे को मैंने साइड में रख दिया और अब बना लेते हैं इसके लिए चाशनी। तो चाशनी लिए देखिए जिस कटोरी से मैंने कप से मैंने मैदा लिया उसी से 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी। तो चाशनी पानी डाल की और गैस की फ्लेम को ऑन कर देती हूँ और इसको तब तक पकाते हैं कि चीनी मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होने के बाद में 2-3 मिनट इसको और पकाते हैं और हल्का सा देखिए आप अंगुली से ले के देख लीजिए, जैसे हल्का एक तार बनने लग जाता है तब तक चाशनी को पका लेते हैं। तो चाशनी एक साइड में पक रही है। तो देखिए बर्फी को जमाने के लिए कोई भी आपको डिब्बा, जो भी आपके पास में डिब्बा है उसमें आप जमा सकते हैं। तो मेरे पास ये देखिए जो मिठाई का डिब्बा होता है इसी के अंदर मैंने बटर पेपर लगाया और बटर पेपर लगा के ऊपर से हल्का सा इसका चिकना कर देती हूँ। तो थोड़ा सा घी डाल के मैंने हाथों से इसको चिकना किया, कोई भी आप बुर्ज की सहायता से हाथों से आप इसको चिकना कर सकते हैं। और बीच बीच में चाशनी को देखिए संभालते रहिए, तो बीच बीच में मैंने चलाते रहे, नहीं तो चीनी नीचे चिपक जाती है। तो ये देखिए फिर अंगुली या अंगूठे के बीच में लेके आप देख लीजिए, हल्की सी ठंडी करके देखिए तो हल्का सा देखिए बीच में एक तार सा बन रहा है। तो पूरा तार नहीं बन रहा है पर एक छोटा सा जैसे तार आ रहा है इसके अंदर। तो चलिए चाशनी बन की तैयारी हो गई है और अब आपको डालना है मैदा। तो देखिए मैं ध्यान से आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए, हल्का सा तार बनाना है आपको, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है चाशनी को, जैसे एक तार बनने लग गई है तब तक। तो इस टाइम आप गैस के फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं या आप एकदम धीरे गैस करके और फिर आप थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, एकदम लम्स फ्री बनाना है आपको। तो लम्स नहीं होने चाहिए इसलिए आप गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हो, बिल्कुल भी इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही ये मिठाई देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, अब इसके अंदर डाल दिया 3-4 चम्मच इसके अंदर मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर देखिए आपकी इच्छा के हिसाब से आप स्किप भी कर सकते हैं या आप डाल भी सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर एक मावे का काम करता है तो इनका बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर डाला है। तो मिल्क पाउडर तो आपके हिसाब से आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो डालिए, नहीं आप स्किप भी कर सकते हैं, या आपके पास मावा है तो आप मावा भी डाल सकते हैं। तो मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और बराबर इसको चलाते रहिए। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ इसके अंदर। तो चम्मच देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं जमा हुआ घी डाल रही हूँ। तो अब भी मैंने जमा हुआ 1 चम्मच घी डाला है, घी डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फिर आप फ्लेवर के लिए देखिए कोई भी आप जैसे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर चेरी डाला है या आप सिंपल भी रख सकते हैं, ये मिठाई सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है। और फिर आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं या कुछ भी। तो मैं तो फ्लेवर के लिए देखिए कुछ भी आप, तो मैंने गुलाब एसेंस डाला इसके अंदर और मैंने पका के इसको उतार लिया है। तो
सॉरी मैं पहले आपको दिखाना भूल गई कि कितना इसको किस हिसाब से। तो देखिए गाढ़ा तो आपको दिख रहा है, मैंने इस हिसाब से करा है। तो थोड़ा सा देखिए मैं आप कटोरी में निकाल लेती हूँ साइड में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको ऐसे पता नहीं चला तो कब तक आपको इसको पकाना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया और थोड़ा सा मेरे के कढ़ाई पतली रह गई तो नीचे चिपकने लगा है, इसलिए मैंने जल्दी से इसको उतार लिया। तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप पतली कढ़ाई में बनाओ तो बहुत ध्यान से बनाना है। तो ये देखिए मैंने साइड में कटोरी में रखा, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा गर्म है पर फिर भी ये देखिए जम रहा है अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा था तो बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया। तो कोई भी आप प्लेट के अंदर थोड़ा सा निकाल के रख लीजिए और फिर आप ऐसे देख लीजिए कि एकदम जैसे गोली जैसी बन रही है, तो ये जमने के लिए एकदम परफेक्ट है, ये मिठाई आराम से जम जाएगी। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें से और ले के आपका दिखा रही हूँ, तो ये देखिए बहुत ही आराम से गोली बन रही है। तो आराम से ये 10 मिनट आप रख दीजिए साइड में, 10 या 15 मिनट में आराम से ये मिठाई जम जाएगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गई है और बहुत ही अच्छे से ये मिठाई जम गई है। तो चलिए मैं निकाल के कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो कोई डरने की बात नहीं है, थोड़ी सी और गाढ़ी होएगी तो ये थोड़ी सी और क्या थोड़ी टाइट हो जाती है। तो मुझे टाइट ना यही मिठाई अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होएगी तो एकदम ये टाइट मिठाई हार्ड हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और ज़्यादा आप इसको गाढ़ा कर लोगे तो ज़्यादा ये मिठाई खाने में थोड़ी हार्ड लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से आप एक बार प्लीज़ ज़रूर बनाइए, ये मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है। कोई भी आप त्योहारों पे बना सकते हैं इसको, अभी अब देखिए रक्षाबंधन है तो इसमें भी बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाया है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, या चांदी का वर्क से क्या थोड़ा सा लुक और भी अच्छा आ जाता है। तो देखिए कितने आराम से ये मिठाई कट रही है। चलिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ उठा के, ये देखिए कितनी प्यारी बनी है, बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनी है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जब भी वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी आपके पास। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू बोलती हूँ आपको। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।